असलम गाइज, वेलकम हेलो बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यू एफ रिएक्शन। दिस इज उसामा, दिस इज मार्किया, दिस इज उमर। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि तो फिर से एक मजेदार किस्म की वीडियो लेके हम लोग आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो हाँ गाइज, आज एक मजेदार किस्म का ट्रेलर लेके आए हैं, उसके बारे में मार्किया हमें बताएगी। हाँ। जी, फाइनली रनवे 34 का ट्रेलर 2 रिलीज हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही तो इसमें जिस तरीके से आपको पता है, अजय है और अमिताभ बच्चन है और राकुल प्रीत है, और कास्ट बहुत जबरदस्त है। और पहला हमने ट्रेलर देखा था, बड़ा मजे का ट्रेलर लगा था और बड़ा सस्पेंस था उस ट्रेलर पे। तो आज हम देखते हैं ट्रेलर 2 में क्या दिखा रहे हैं। और देखने के लिए एक्साइटेड हूं, क्योंकि फर्स्ट ट्रेलर बहुत सस्पेंस वाला बहुत सस्पेंस वाला था, वो सस्पेंस एक छोड़ गया था। तो देखते हैं ट्रेलर 2 में क्या दिखाते हैं। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले गाइस, प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। हैवी गो। गलती चाहे ATC की हो, मौसम खराब हो या कुछ भी हो, गलती तो सिर्फ पायलट की है। 314 फैसले लिए थे हमने उस रोज, अगर उसमें से एक भी फैसला गलत हो जाता तो आज हम यहां मौजूद नहीं होते। लेकिन फिर भी गलती तो सिर्फ पायलट की है। Ladies and gentlemen, this is your captain Vikrant Khanna. Sit back, relax, and enjoy the rest of your flight. AIB का काम गलती ढूंढना है, गलती करना नहीं। आप में से जो जो पायलट है वो खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाइए। सवाल बेबुनियाद है, ये भी आप ही डिसाइड करेंगे। हमने जो कुछ भी किया SOP के दायरे में किया। I don't have a good feeling about this, sir. यहाँ जमीन से 35,000 फीट ऊपर फीलिंग्स नहीं, कैलकुलेशंस चलते हैं। I know what's bothering you, but I love how the media is treating your pilot. कुछ समय के लिए पायलट जो है वो यात्रियों के लिए उस भगवान की तरह हो जाता है जिस पर वो आंख मूंद कर अपना भरोसा करते। Did he choose runway 34? यहाँ पहले से फट रखी और मत फाड़ो। क्या उस रात फ्लाइट में आपने पी थी? Of course not. कंपनी को इतनी सी भी आ चाहिए, ऐसे सोचना भी नहीं कि तुम बच गए। Brace for impact. मौसम और इंसान जब मिलकर गलती करते हैं ना, तो इट्स अ श्योर शॉट रेसिपी फॉर डिजास्टर। पता नहीं माँ, कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं। आपकी कंपनी की पॉलिसीज में अच्छी तरह समझ चुका हूँ। अगर पायलट बच गया तो पायलट पे ब्लेम डाल दो, और अगर मर गया तो पायलट को ब्लेम तो करना है ही। तो बहुत ज्यादा, और इसमें अजय देवगन के जो डायलॉग्स है ना, उससे पता चल गया, मतलब कि वो कहते हैं कि चाहे गलती मौसम की हो, चाहे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी, लेकिन गलती पायलट की होती है। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर किसी वजह से अगर प्लेन के साथ कोई हादसा आता है, लेकिन सारी गलती पायलट पे आती है। अगर पायलट बच जाता तो भी पायलट पे, और अगर मर जाता तो भी पायलट पे। मतलब ये बहुत बड़ी बात उन्होंने इस पे कही है। ये एक मूवी नहीं है, रियलिटी लगती है। मतलब ये एक शायद मतलब यही होता है, क्योंकि जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया है, और मूवी एक सबक छोड़ के जाती है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी ट्रेलर 2 बड़ा एक धमाकेदार ट्रेलर मैं इसको कहूंगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डायलॉग्स ऐसे थे, उलझने वाली। और अमिताभ बच्चन के जो सवाल है वो उलझा देते हैं, उलझा देते हैं ये बात, क्योंकि वो केस जो है वो लड़ेंगे, और वो अमिताभ बच्चन सर, और वो जिस तरीके से क्वेश्चन करेंगे वो कंफ्यूज कर देने वाले होंगे। लेकिन अब उसमें अजय क्या करते हैं, अजय कैसा रोल प्ले करते हैं, तब भी देखेंगे जब मूवी आएगी। बिल्कुल, तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। सस्पेंस वाली मूवी है, no और बहुत अच्छी सामने मूवी लग रही है, और ये सुपर डुपर हिट हो गई है। जो स्टोरी डाल दी गई है नो डाउट स्टोरी लग रही है, आई थिंक मेरे ख्याल से हो सकता है। और अच्छा, अजय की कोई भी मूवी आती है ना, वो बहुत ही अच्छी मूवी होती है, एक अच्छी सस्पेंस वाली मूवी होती है, नो डाउट एक लेसन होता है उस मूवी में। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसमें ये है कि इसमें एक दफा फिर वो राकुल प्रीत के साथ आ रहे हैं, और पहले भी इनकी मूवी आई थी तो बहुत लोगों ने पसंद किया था। अच्छा, उनके साथ ना उनकी जोड़ी अच्छी लगी, अच्छी लगी थी। अच्छा, और 29 अप्रैल को आ रही है ये मूवी, और 29 अप्रैल को जो है सिनेमाज में लगेगी। अच्छा, अप्रैल बहुत बिजी हुआ है, अप्रैल इस दफा बहुत बिजी है यार। मतलब अप्रैल में बड़ी बड़ी मूवीज आ रही है, नो डाउट। अजय की मूवी कोई छोटी मूवी नहीं है, बहुत बड़ी कास्ट है, अच्छी मूवी है, और मतलब एक बड़ी कास्ट है इसमें। तो
देखते हैं ये मूवी कैसे लोगों के दिल जीतेगी और वेट इस मूवी को देखने का। जल्दी जल्दी आ जाए 29 अप्रैल को हम ये मूवी देखेंगे। तो गाइस ये था ट्रेलर आज का, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारे हमारा ये रिएक्शन। अगर हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।